मुन्नी, छोटू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भैया, छोटू के स्कूल में रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है। छोटू भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है, पर इसको रोलर स्केट ठीक से चलाना आता नहीं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, सुना है सब बहुत बढ़िया स्केटिंग करते हैं भैया, बस इसीलिए छोटू उदास बैठा है। अरे बस इतनी सी बात मेरे छोटे से छोटू, मैं तुम्हें रोलर स्केट्स में एक्सपर्ट कर दूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाता हूँ। सच मोटू मामू, आप मुझे रोलर स्केट्स अच्छे से चलाना सिखाओगे? अरे समझो कि सिखा दिया। मोटू और स्केटिंग कोच न जाने क्या होगा। अब इसे पहन लो और लेस अच्छे से बांधो। यस। छोटू, जब स्केटिंग करते हैं ना, तो पूरा का पूरा ध्यान स्केटिंग पे ही होना चाहिए, ओके? छोटू, ये एक बार भी मत सोचो कि तुम स्केटिंग कर रहे हो। जैसे जब तुम पैदल चलते हो तो सोचते हो कि हम पैदल चल रहे हैं, नहीं ना? वैसे ही रोलर स्केट्स को अपने बदन का ही हिस्सा समझो और चलते रहो। ये क्या, मोटू रोलर स्केट कोच बन गया है? अब आएगा मजा। मेरे शैतानी दिमाग की किचन में एक नया आइडिया पक रहा है और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। वाह मामू, आप क्या गोल गोल चक्कर घीने की तरह घूमे हैं? ये स्टंट आपने कैसे किया? कुछ ज्यादा नहीं छोटू, लेफ्ट पैर को थोड़ा लेफ्ट की साइड और फिर राइट पैर को भी थोड़ा लेफ्ट पैर की तरह घुमा के हाथ फैला के स्विंग किया। वेरी गुड मामू। एक मिनट हटिए प्लीज, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं छोटू, नहीं, एकदम से स्टंट नहीं करना चाहिए। पहले देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर खुद करो। अभी कुछ और सीखते हैं, चलो। ओ, ऐसा क्या? आगे चलो, बताता हूँ। अब देखना, मोटू फिसलता हुआ सीधा इस बैरियर से टकराएगा और उसे दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। वैसे ही मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अब मेरा पैर ठीक करो जल्दी। मामू, आपने अपने पैरों को रोलर स्केट पहन कर भी इतना बढ़िया लेग स्पिन कैसे किया? प्लीज मुझे भी बताओ ना मामू। अरे कुछ नहीं, सामने बैरियर था, मैंने सिर्फ ये सोचा कि बैरियर पार करना है। दोनों पैर स्पिट किए और इमेजिन किया कि कैसे भी मुझे अपने हाथों से पैरों को छूना है, और ये सब कैसे हो गया पता भी नहीं चला। फोकस छोटू, फोकस, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर कोई हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, कोई तो है, मैं देखता हूँ। तो समझ गया छोटू, ये क्या हो रहा है? मेरी हर रुकावट को मोटू पार करता जा रहा है। मेरा हर प्लान फेल क्यों हो जाता है?
बात बात ऐसे मत लो, कोई देख लेता। कोई देख लेता है तो देख ले दो। मैं क्यों तुतला रहा हूँ? तो ये बात है, हर रुकावट के पीछे जॉन कहाँ था, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। आइडिया। तुमने सुना क्या, कल जो रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे जैसी कद काठी वाला कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है। केवल उसकी दाढ़ी मुझे ना हो और वो बच्चे जैसा दिखता हो। इनाम पूरे 1,00,000 रुपए है। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन, अब मैं बच्चे जैसा बन के रेस में हिस्सा लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, छोटू नहीं जीतना चाहिए, उसे कैसे भी रोक के रखना। ओके ओके बॉस। बच्चों, ये स्केटिंग कंपटीशन स्कूल ग्राउंड से शुरू होगा, फिर फुरफुरी नगर बाजार से होता हुआ यहीं खत्म होगा। सो आर यू ऑल रेडी? यस, कम ऑन छोटू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामू। की तरह गोल गोल घूमू तो इनके बीच से रास्ता बना के निकल जाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने, लेफ्ट लेग को लेफ्ट किया, राइट लेग को राइट किया और दोनों हाथ फैला के घूमे इस तरह। टूट गई है और तेज कैसे चलो। इस रेस में छोटू फर्स्ट आए हैं। कम ऑन छोटू, तुमने अद्भुत स्केटिंग का प्रदर्शन किया है, यकीन नहीं होता जो तुमने किया। ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सर, इस ट्रॉफी के असली हकदार मेरे मोटू मामू हैं। वो मुझे कोचिंग ना कराते तो मैं जीत ही नहीं सकता था। मामू प्लीज आप मेरे साथ आके ये ट्रॉफी शेयर करेंगे? दोस्तों, हमारे बीच एक चीटर भी है जो बच्चा बन के फर्स्ट प्राइज लेना चाहता है और उसका नाम है जॉन। वो देखिए, दाढ़ी मुझे मुड़ा के स्टूडेंट बन के रेस में हिस्सा ले रहा था। सिक्योरिटी, इसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो,
ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मैंने वो अनाउंसमेंट सुना था जिसमें कहा गया था कि बच्चों की कदकाठी वाला कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब ये न कहना कि वो तुमने चाय की दुकान पे सुना था। क्या तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, खुद ही अनाउंसमेंट करवाया। ये असली चीटिंग है, बिल्कुल असली। और बताओ बड़े भैया, ये क्या कोई नया रोबोट बनाया है? मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये तो रोबोट लेग्स है। इनको पहनने के बाद किसी भी आदमी में हॉर्स की स्पीड आ जाएगी यार। जो काम करने में 2 घंटे लगते हैं, वो काम कोई 2 मिनट में कर सकता है यार, और थकेगा भी नहीं। वरना आज के भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान 2 किलोमीटर चल ले तो नानी याद आ जाती है यार। वाह बड़े भैया वाह, तुमने तो बिल्कुल मेरे मतलब की चीज बनाई है। मैं भी कोई काम कर लूँ तो बड़ी जल्दी थक जाता हूँ। मुझे दिखाओ, मैं पहनकर ट्राई करता हूँ। अच्छा राजा साहब, आप समोसे खाने के अलावा और कौन सा काम करते हैं? ओ मेरे भाई, ओ मेरे यारो, छोड़ो यार, मैं मोटू को पहना कर दिखाता हूँ। झटका मुबारक हो, मुबारक हो। आज भी कुछ नया बनाया है, लाओ जरा इसकी मजबूती तो चेक की जाए। इधर से तो फिट है, दूसरी साइड से भी चेक करता हूँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बड़े भैया रोको रोको, मेरे पैर रुक ही नहीं रहे हैं। बाय बाय मोटू। पतलू रोको मुझे, जल्दी कुछ करो, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मोटू तुम कहाँ हो, दिख नहीं रहे? तुम हमसे बहुत आगे निकल चुके हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैं चिंगम सर को फोन करता हूँ। चिंगम सर, अगर मोटू कहीं दिखे तो उसे रोकिए। डॉक्टर झटका के गैजेट में फिर से गड़बड़ी हो गई है। अयो मॉम, डोंट वरी, वाई पियर, व्हेन चिंगम इज हियर, मैं उसे अब भी रोकता हूँ। मोटू स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। लेकिन कैसे रुकूं चिंगम सर, मेरे पैर तो रुक ही नहीं रहे हैं। पकड़ो मुझे, पकड़ो। सिर्फ सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज देख भी लिया। ट्रॉफी तो लेते जाओ। अरे मुझे ट्रॉफी का लालच नहीं, आप किसी और को दे दो। देखा आप सबने, इस स्पोर्ट्समैन की स्पोर्टिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा है कि वो ट्रॉफी के लिए भी नहीं रुका। भाई और बहनों, जीतने वाला रेसर कोई ऐसा वैसा रेसर नहीं है, वो चैरिटी के लिए दौड़ रहा है। वो जगह जगह दौड़कर समाज सेवा का संदेश देना चाहता है। प्लीज आप सब भी उनको ज्वाइन कीजिए, देश के हित में भाग लीजिए। बॉस बॉस, ये लोग तो सच में भाग लिए। चुप रहो, आ
आइए भाइयों बहनों आइए, इस नेक काम के लिए दिल और बटुआ खोल कर चंदा दीजिए। मैं उस महान आदमी का सेक्रेटरी हूँ। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। बताइए बताइए, सामने आइए, शर्माइए मत। स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप। जॉन ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब, रोको मुझे। ये सब स्पॉन्सर्स हैं। अभी तो पैसा कमाने का टाइम आया है। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक मेरी कमाई होगी। कोई रोको मुझे। अरे पुलिस को फोन करो, पकड़ो पकड़ो, ये लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मोटू है। वो आदमी मैन विद अ मिशन है, देश की समाज सेवा कर रहा है। वो देखो वो रहा मोटू। मोटू रुक जाओ, थक जाओगे। मेरा हाथ पकड़कर ऊपर कार में आ जाओ। हाँ हाँ पकड़ो, मुझे रोक लो रोक लो, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता। पकड़ो मेरा हाथ। कुछ करो, मेरी हालत भागते भागते खस्ता हो गई है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। मोटू तुम्हारे आगे रास्ते पर एक ट्रेडमिल रखा है, तुम भागते हुए उस पर चढ़ जाना। ऐसे तुम एक ही जगह पर दौड़ते रहोगे, फिर डॉक्टर झटका तुम्हारे रोबोट लेग्स को रोकने के बारे में सोचेंगे। मुझसे और नहीं दौड़ा जाएगा। उस रेसर के जैसा स्टेमिना तो मुझ में नहीं है। आयला, ये इंसान तो पूरी दुनिया को चुस्तुर उतरने का पाठ पढ़ाएगा। आयला, आयला। मोटू ऊपर देखो, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तुम लंबी छलांग मारो, मैं तुम्हारे ऊपर आते ही तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे हिम्मत कहाँ है जब मारने की, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मोटू यू कैन डू इट, फिर से जंप करो। एक बार जंप करने पे तुम्हें दो समोसे मिलेंगे। जय हो। डॉक्टर झटका जल्दी से मोटू के रोबोट लेग्स खोलिए। मेरे भाई मेरे यार अभी लो यार। यार मुझे ठीक तो करने दो यार। मार सुटिया पापल वाले ने, बचाओ बचाओ यार।
अच्छी खासी कमाई हो रही थी, ये लोग मोटू को ले जाके क्या कर रहे हैं? मोटू को छोड़ दो वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। वो मैन विद द मिशन है, वो देश की सेवा के लिए दौड़ रहा है, फालतू में नहीं। ये रोबोट लेग्स मेरे पैर में कहां से आ गए? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे रोको, रोको मुझे, ये तो चीटिंग है, धोखे से पैर मुझे पहना दिए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। जॉन, मैंने बहुत समाज सेवा कर ली, अब थोड़ा तुम ही कर लो। ऑल द बेस्ट। चिंगम सर बचाओ, मुझे रोको, जेल में डाल दो, लेकिन मुझे रोको, ये सब मैंने किया था, प्लीज सॉरी। झुमरी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चारा लेकर आया हूँ, तुम इसे खाओ और खूब दूध दो। ये लो, खाओ 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 ना। अरे पतलू, ये तो कुछ भी नहीं खाती, जब चारा नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी, और दूध नहीं देगी तो इसे पालने का फायदा क्या? बूढ़ी बाबा, भैंस को चारा खिलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, लाओ मैं खिलाता हूँ। झुमरी रानी देखो, हरी हरी घास के साथ ढेर सारा चारा, खाओ और खुश हो जाओ। मेरे पाई, मेरे यार, बहुत मार खा ली हम सब ने, अब देखो एक काम करो, मैं ये दवा देता हूँ, तुम इसके मुंह में ये दवा डाल दो, मुंह में जाते ही कैप्सूल एक सेकंड में घुल के उसके पेट में चला जाएगा यार, और फिर उसे इतनी भूख लगेगी कि ये घास पत्ता पेड़ पौधा सब कुछ खा लेगी यार। अरे झुमरी, ये खा लो प्लीज, ये दवा खाते ही तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगेगी। अरे काट लिया, अरे झुमरी भैंस काटते नहीं, तो अब कौन इसे कैप्सूल खिलाएगा? अरे ये तो काटती है। अरे तुम सब एक भैंस को चारा तक नहीं खिला सकते, और चले थे भैंस पालने। अच्छा, अगर ये काम इतना ही आसान है तो ये कैप्सूल तुम क्यों नहीं खिला देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर भैंस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। भैंस मंकीज के जैसे इंसानों के एक्शंस फॉलो करती है, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मत मानो मेरा क्या है, अगर मोटू भैंस के सामने मुंह खोलने की एक्टिंग करेगा तो भैंस भी उसके जैसे मुंह खोलेगी और मैं कैप्सूल डाल दूंगा। बाय बाय मोटू, हैप्पी ईटिंग घास। अरे मोटो, यह क्या किया? जॉन हमेशा तुम्हें उल्लू बनाकर चला जाता है। ओए चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, वो कैप्सूल मैंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी, शायद वो इंसानों पर असर नहीं करेगी यार। शायद? अरे शायद का क्या मतलब है? शायद का मतलब है शायद असर कर भी सकती है यार। क्या खाऊं, बहुत
जोरों की भूख लगी है, क्या खाऊं? अरे वाह, कितना बढ़िया फसल लहलहा रही है। मोटू कहाँ हो? अरे ये क्या कर डाला, कितनी मेहनत से किसानों ने फसल उगाई होगी और तुमने पूरा का पूरा फसल चट कर दिया। जल्दी घर चलो वरना आधी रात में पूरी पिटाई हो जाएगी। फसल क्यों खा रहे थे? ये पुतला कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। कौओं को डराने के लिए लगाया जाता है, पर यहाँ देखो सारे कौए मिलकर पुतले को ही चोंच मार रहे हैं। ये कैसा पुतला है, खुद ही फसल खा रहा है। कहीं ये तो वो फसल चोर तो नहीं? ए हरिया, ए चंदू, छुटकू, अरे सब जल्दी आओ, फसल चोर, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे, मारो, हमारी सारी फसल खा गया। मजा आ गया, मोटू पतलू हर समय मुझे पिटवाने में लगे रहते हैं, आज उनकी पिटने की बारी है। मेयर साहब वो देखिए मोटू पतलू आ रहे हैं, फुरफुरी नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक है, ऐसे मौके पर उनकी एक छोटी सी स्पीच तो होनी ही चाहिए, है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मोटू पतलू इधर आओ, इस नई नर्सरी के इनॉग्रेशन पर तुम दोनों भी कुछ कहो। क्यों नहीं मेयर साहब, क्यों नहीं, थैंक यू। लो आसमान से टपके और खजूर पे अटके। भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ लगाने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और हर पौधा कितना सुंदर और कितना टेस्टी होता है। हमें फुरफुरी नगर में ही नहीं बल्कि सब जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये खाने में बड़े ही टेस्टी और यम्मी होते हैं। जैसे कि ये वाला सबसे सुंदर और टेस्टी है, ये भी अच्छा है, वेरी टेस्टी है, अरे ये भी अच्छा है। उफ, पतलू, ये मोटू क्या कर रहा है? रुको इसे, ऐसे तो ये पूरी नर्सरी के पौधे खा जाएगा। यार सर, मोटू ही वो फसल चोर है। इसने हमारे खेतों की भी पूरी फसल सपाचट कर दी, मारो इसे। मेरे पाई मेरी यार, पतलू ये लो एंटीडोट, जल्दी से मोटू को खिला दो यारी। ए जो,
चिंगम सर क्या हुआ? जॉन बैंक लूटकर यही कहीं झाड़ियों में छुपा बैठा है, पकड़ में नहीं आ रहा। मोटू तो घास खाने में बिजी है और पतलू उसे बचाने में। अब मैं पूरे फुरफुरी नगर में जमकर लूटपाट मचाऊंगा। मोटू, अभी तक तुमने पेड़ पौधे खाकर नुकसान किया है, अब घास खाओ और जॉन को पकड़वाओ। लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है और घास भी कोई खाने की चीज है, खिला नहीं है तो मुझे समोसे खिलाओ। पतलू मेरे भाई, मेरे यार, मुझे लगता है एंटीडोट ने अपना असर दिखा दिया है यार। लो, जब जरूरत नहीं थी तो मोटू सारी फसलें खा गया और जब जरूरत पड़ी तो उसे अभी ठीक होना था। वाइफ यार, वे चिंगम इज हियर। खुशबू, मोटू ये लो, ये समोसे खा लो। किंगडम सर हमें इन झाड़ियों में कभी नहीं पकड़ पाएंगे। बॉस बॉस, ये भी तो हो सकता है कि चंद सेकंड में ही ढूंढ ले। इन झाड़ियों में तो कभी नहीं। बॉस बॉस, आसपास देखो, सब खाली है। जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मोटू पतलू, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? मोटू पतलू तुम्हारा पीछा कब छोड़ेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो जेल के अंदर। एल 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 जेल।